गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स मतलब लंबी या छोटे। इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, मैंने इधर तीन लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो इनमें सबसे लंबी लाइन कौन सी, मींस विच लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन एंड विच लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन। ओके, मैं नाम दे देता हूँ लाइन को, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। ओके, अब इनमें से लंबी लाइन कौन सी, आपको ऑब्वियसली पिंक कलर में कर रखा है ये लाइन ए, ये सबसे लंबी लाइन है या लॉन्ग लाइन। एंड विच इज द शॉर्टेस्ट लाइन, लाइन बी। लाइन बी कौन सी है, सबसे छोटी लाइन है। ओके, अब कोई भी लाइन हमेशा के लिए लंबी या छोटी नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पे लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी है। ओके, अब लाइन भी बड़ी भी हो सकती है, कैसे, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है उसको जाने देना, तो अब लाइन भी सबसे लंबी लाइन हो गई। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे, उधर लिखा है देखो पर्पल में, कन्वर्जन ऑफ लेंथ। सबसे पहले ये टॉपिक करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लेंथ मतलब जो लंबाई है आपकी या लेंथ है उसको कन्वर्ट करना है, इसमें वो हम ही पढ़ेंगे। ओके, ये तो मैंने बेसिक्स लिख दिए, अब MM, CM, M, KM जिसको नहीं पता उनके लिए वो क्या होता है। MM मतलब मिलीमीटर, आपके पास स्केल होगी 1, 0 से लेके 15 तक होती है, जो छोटी स्केल होती है। ओके, उसमें 1 और 2 के बीच में गैप होता है, जिसमें लाइंस होती है थोड़ी बहुत, वो MM होता है, मिलीमीटर, जो 10 होता है। यहाँ पे एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, सपोज ये 0 है, 1, 2, 3। ओके, ऐसे 15 होते हैं, तो यहाँ पे एक तो बीच में होता है 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, या फिर सपोज स्केल है तो इसके बीच में टोटल 10 का गैप होता है, 0 से 1 आने के लिए 10 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, किसमें, एमएम, सेंटीमीटर से। ओके, ये सेंटीमीटर का है, आपकी स्केल सेंटीमीटर में होती है, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना गैप होता है, 10 मिलीमीटर। ओके, अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, और 1 mm में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, अब कन्वर्जन करेंगे हम, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, सपोज आपको एक वैल्यू दे दी मैंने 45 मीटर, आप इसको कन्वर्ट करना किसमें, क्वेश्चन इधर लिख दिया, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। ओके, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, किलोमीटर में, लेकिन ये मीटर किलोमीटर से छोटा है। ओके, आपको बड़ी क्लास में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, इधर भी आएगा, मैं पॉइंट्स का एक डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ओके, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू सबसे पहले ये लिखना है 1000 मीटर, 45 मीटर इक्वल्स टू कितना, क्वेश्चन मार्क, तो थाउजेंड्स में कितना है, पहले 45 लिख दिया आपने, अब 3 आने चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, एक 0 लगाया, 0.0 किलोमीटर।
ये आपका आंसर आएगा 0.045 किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, 45 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे वही उसी तरह होगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 45 मीटर इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 45 इंटू 100, क्योंकि 45 मीटर है, उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में करना है, तो 45 इंटू 100, तो 4500 सेंटीमीटर, ये हमारा इतना सेंटीमीटर होगा। गॉट इट? देन नेक्स्ट, ओके, मीटर तो हो गया, अब 45 सपोज 4 किलोमीटर है, इसको एक बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, हम एक एक करके सब तरह से ट्राई करेंगे। एक ही वैल्यू है, आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। ओके, किलोमीटर है, लेकिन उससे पहले क्या आता है, मीटर, देन उसके बाद सेंटीमीटर आता है, तो हमको पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 4000, कैसे आया, 4 इंटू 1000। ओके, तो 4000 हो गया, ये क्या हो गया, मीटर। याद रखना, एम नहीं लिखा आपने, इसके मार्क्स कटते एग्जाम में, या आपको गलत भी कर सकते, तो किलोमीटर, मीटर, ये सब लिखना कंपलसरी है। ओके, 4000 मीटर हो गया, अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 4000 मीटर इक्वल्स टू 4000 इंटू 100। कैलकुलेशन के इजी करने के लिए, अगर सपोज सब जीरो है, 100 हो रहा है, 1 की प्लेस पे आता है, तो 4 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, मींस 0 काउंट करना है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 4 का 4। ओके, ये 100 10 1000, इनसे मल्टीप्लाई करने के नंबर में इजी होता है। ओके, ये आपका आंसर है। अभी हमने कन्वर्जन ऑफ लेंथ सीख लिया, नेक्स्ट सीखेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन में इधर दे रखा है मैंने 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर है, इजी है, 0 0, इसको दूसरी चौक से करता हूँ मैं, 0 0 0 प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 4 5 6 7, 70 सेंटीमीटर, 70 लिखने के बाद सेंटीमीटर लिखना भूलना मत, क्योंकि हमारे इधर सब सेंटीमीटर में ही हो रहा है। अब इधर भी देखो, मैंने लिखना भूल गया मैं, तो मेरे को अगर मैंने एग्ज़ाम दी, तो मेरे सर ने चेक किया, तो मेरा भी सर रॉन्ग कर देंगे। ओके, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 7 प्लस 3 10, 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10। ओके, 100 मीटर। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, सपोज इसी वैल्यू को चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मीटर था पहले, हम इसको सेंटीमीटर कर देते, आंसर वही 100 रहेगा, लेकिन सेंटीमीटर है। अब कोई कोई आपने सीखा था 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो आप आंसर लिखते हैं ना, सपोज आपने ऐसा सॉल्व तो कर दिया, इसके बाद कोई ऐसे भी लिखते हैं हम, आंसर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख दो और 1 मीटर,
ओके, एंड देन लास्ट पे इसमें एम सी एम मीटर सेंटीमीटर, इसमें भी आप आंसर लिखते हो तो जो भी आंसर आएगा उसको इनटू मीटर फिर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किए, आप चाहो तो लाइन ड्रॉ भी कर सकते हो जैसे आपको सूट करे। अच्छे अच्छा, 7 + 6 7 क्या था, 8 9 10 11 12 and 13, 13 का 3 1 4 + 1 5 5 + 2 7 सेंटीमीटर, लिखना भूलना मत। 5 + 4 9 5 + 3 6 7 8 89 मीटर, ये आपका आंसर है। ओके, अभी कौन सा टॉपिक कर रहे, एडिशन, वहाँ पे टिक कर देते अपना एडिशन। अब कौन सा करेंगे, सब्ट्रैक्शन, हाँ सब्ट्रैक्शन पे टिक कर रहे। ओके, ये सब क्लियर हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, सब्ट्रैक्शन, 96 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, ये भी इजी है। 6 में से 4 गया 2, 6 है उसमें से 4 आपके पास चॉकलेट चले गई तो कितनी बची, 2, 2, 9 में से 2 गए तो 7, ओके 72 सेंटीमीटर, वहाँ पे बस वही है। अब इधर कैरी वाले है, अब ये तो बिना कैरी का था, ये कैरी वाला है, 9 में से 3 तो जाएगा नहीं तो इसको 3 को क्या कर देंगे हम, 13, और यहाँ पे 8 को 7, कैरी लेते थे आगे वाले से लेंगे तो उसका एक कम हो जाता है, 13 में से 9 गया तो 4, और 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे सेंटीमीटर, 5 में से 4 नहीं जाएगा, 4 का 14, 7 का 6, 14 में से 5 9, 4 में से 6 में से 4 2, ओके 29 मीटर 54 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गए, अब हम पढ़ेंगे राउंड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं। अब आपके पास सपोज एक सर्कल है, आगे एक्सरसाइज में दे रखा है या वर्कबुक में दे रखा है, एक राउंड है या आपका पार्क होता है, ये पार्क कितना है टोटल, 200 सेंटीमीटर, याद रखना, सॉरी अब ये मैंने गड़बड़ कर दी, सेंटीमीटर कितना होता है आपके स्केल पे आ जाएगा, इतना छोटा पार्क तो होगा नहीं, पार्क हमेशा मीटर किलोमीटर में ही होते हैं, जो भी स्पेस आपको रनिंग ट्रैक होते वो मीटर या किलोमीटर में ही होते हैं, 200 मीटर। अब आपको इसको बोल दिया इसके आपको 5 राउंड लगाने, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, आगे ऐसे समय कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 राउंड आपको लगाने इसके, या आप ये भी बोल सकते हैं 5 लैप, लैप भी एक राउंड ही होता है। ओके, 200 मीटर का ग्राउंड है अपना, ओके तो 200 × 5, अब इसमें देखो 0 है तो 2 0, 5 × 2 = 10, 100 मीटर 1 किलोमीटर, मतलब आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये तो हो गया इसका। अब आपको बोलते टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, टोटल डिस्टेंस दे दिया 4000 मीटर, और कवर कितने ग्राउंड आपको पता करना है, लैप आपको पता नहीं कितना है, आपके पास राउंड है कि आपको 4 राउंड कंप्लीट करने हैं, तो आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो सिंपल है, 4000 डिवाइड बाय 4
फोर, ये तो फोर इजी दे दिया मैंने, इसकी जगह मैं फाइव दे देता हूँ। फोर में आंसर क्या आता है वो भी बता देता हूँ। फोर वन जा फोर, ज़ीरो का ज़ीरो ऐसे ही उतरेगा, ज़ीरो ज़ीरो ऐसे ही उतरेगा, ज़ीरो ज़ीरो ऐसे ही, मतलब थाउजेंड मीटर का ये ग्राउंड है अपना, लैप है, और फाइव थाउजेंड फाइव राउंड का कितना होगा, फोर थाउजेंड इंटू फाइव, फाइव एट ज़ा फोर्टी, ज़ीरो का ऐसे ही ज़ीरो, ज़ीरो का ऐसे ही ज़ीरो, एटी एट हंड्रेड, एट हंड्रेड मीटर का वो ग्राउंड अगर फाइव लैप के फाइव राउंड के हिसाब से करें तो 800 मीटर, और ये फोर राउंड के हिसाब से कितना है 1000 मीटर। ओके नेक्स्ट है ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने इधर दो वर्ड्स प्रॉब्लम लिखे क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को वर्ड्स प्रॉब्लम में ही दिक्कत आती है। ओके वर्ड प्रॉब्लम लास्ट टॉपिक है अपना, ये भी करते हैं। सुरेश इज 1 meter 24 centimeter टोल, सुरेश है उसकी टॉल कितना लंबा है वो 1 meter 24 centimeter। ओके मीनाल इज 25 centimeter shorter देन हिम, एक और लड़का है मीनाल, वो क्या है सुरेश है, मीनाल इज 25 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, किससे छोटा 25 सुरेश से, तो मीनाल की हाइट कितनी 15, 25 सेंटीमीटर कम। ओके ये माइनस कर देंगे हम, फोर में से फाइव जाएगा नहीं, यहाँ पे वन आएगा, इसका कैरी हट गया जीरो, वन इलेवन, टू में से इलेवन गए तो नाइन, फाइव फोर फोर्टीन हो गया था, हो जाता ये फाइव नाइन, हमेशा रिवर्स करना है, मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मेरे को आता है 99 सेंटीमीटर। तो ये किसकी हाइट है मीनाल की। ओके मीनाल हाइट बोल सकते हो या मीनाल टॉल कितना लंबा है, दोनों का आंसर एक ही आएगा 99 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या एक और चीज़, वॉट इज़ द टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की टोटल हाइट कितनी है। अब सुरेश की हाइट तो अपने को पता ही था 1 meter 24 centimeter, या आप इसको ऐसे लिख दिया या ऐसे भी लिख सकते हो, एक और मीटर ऊपर सेंटीमीटर 24। ओके अब मीनाल सुरेश की हाइट तो हो गई, मीनाल की कितनी थी निकाली अपन ने 99 प्लस यहाँ पे पीछे आएगा क्योंकि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही होना चाहिए, आप आगे नहीं लिख सकते उसको, यहाँ पे ज़ीरो, नाइन प्लस फोर थर्टीन, वन कैरी, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, वन टू, टू मीटर 23 सेंटीमीटर, ये दोनों की हाइट हो गई। ओके लास्ट क्वेश्चन है, मनीष इज 150 सेंटीमीटर टॉल, His sister is 11 centimeter tall. Who is taller than both of them? ये जल्दी समझा रहा हूँ मैं, मनीष की हाइट कितनी है 150, वो भी याद रखना सेंटीमीटर, उसकी बहन की हाइट कितनी है 117। अब बड़ा कौन सा नंबर है 150। ओके तो हु इज टॉलर फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, मनीष बड़ा है ऑब्वियसली, एंड हाउ मच और कितना बड़ा है, तो 115 माइनस 117, जीरो का 10, फाइव का 4, 7 में से 3, 4 में से 1 गया 3, 110, 33 सेंटीमीटर बड़ी है, किससे बड़ा है सॉरी मनीष किससे, अपनी बहन से। ओके आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।